और ये यहाँ जब आप कुछ अलग ऐसे अलग दो कलर्स के लगाओगे जिसमें आपका पेपर कुछ ऐसा दिखना चाहिए, उपसी, फिर आप लोग सोचेंगे मैंने ये कलर का कुछ क्यों नहीं किया, बिकॉज़ अभी मैं ये ऑरेंज और लाइट येलो के साथ रखूँगी। ऑरेंज यहाँ है और ये यहाँ, इसको भी दूर दूर रखना है। चल अब देखते हैं वापस क्या होता है। अब इसको वापस फोल्ड कर देंगे हम लोग। एजेस टू एजेस मिलने चाहिए बिकॉज इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओप्सीज, लगता है स्लाइड कलर्स बाहर आ गए। नाउ लेट्स सी हमारा कैसा निकलता है। आई थिंक सो स्लाइट मेसी निकलेगा, बट इट्स ओके। अभी मैं खोलूँगी। ओह, आई थॉट एज वेल, बिकॉज गाइस मेरा साइड में अच्छा नहीं निकला, बिकॉज मैंने लगता है कुछ ज़्यादा ही एज में कर दिया। सो इट्स ओके, मैं स्लाइट ब्रशिंग कर दूँगी, बट आई होप आपको मेडल वाला बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने कम कलर्स इसलिए यूज़ किया, आई वॉन्टेड टू डू होल कलर, बट फिर मैंने सोचा कि हाफ कलर में देखते हैं क्या होता है, और मेरा इतना ब्यूटीफुल आया तो सोचो गाइज आपका क्या होगा। मतलब आप लोगों का इतना मुझसे भी अच्छा होगा। एंड बाकी के पार्ट्स का तो मुझे पता नहीं, बट मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। मैं इसको जैसे ही ड्राइव